आज रोटी बैंक यूथ क्लब प्रतिदिन की तरह आज भी इस आपातकालीन समय में अपने पूरे टीम के साथ भूली श्याम नगर पहुंचकर खाना उठाया। श्याम नगर वासी के तरफ से लगातार हम लोगों को इस लॉकडाउन में सहयोग किया जा रहा है, जिसे हम लोगों ने मेमको मोड़ बरवड्डा बस्ती में जाकर बांटा। रोटी बैंक यूथ क्लब निरंतर जरूरतमंदों और असहायों के बीच जाकर दो वक्त का भोजन लेकर पहुंच रही है। इस बीच आज रोटी बैंक यूथ क्लब के अध्यक्ष श्री रवि शेखर जी ने कहा कि इस महामारी में सभी लोग आगे आए और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचकर उनकी जरूरतों को पूरा करें। रोटी बैंक यूथ क्लब के अध्यक्ष श्री रवि शेखर जी ने कहा कि रोटी बैंक यूथ क्लब निरंतर अपनी सेवा दे रही है और इसी तरह आगे भी जरूरत और असहाय लोगों के बीच खाना लेकर पहुंचेगी। नगर पुलिस से कंटिन्यू हम लोगों का छठा बार खाना मिल रहा है, जो कि बहुत सराहनीय है। जो लालटू दा और अपनी टीम के बारे में सबसे साथ में मिलकर ये लोग खाना बनवा रहे हैं और हम लोग रोटी बैंक यूथ क्लब उधर इसे हम लोग इस खाने को लेकर जरूरतमंद तक पहुँचा रहे हैं, जिससे हम लोग पूरे धनबाद में जहाँ भी जिस तरह जरूरतमंद हम लोगों को मिल रहा है, फोन पे आ रहा है, हम वहाँ तक खाना पहुँचवा रहे हैं। कितने लोगों को आज ले जाकर दे रहे हैं हम लोग? आज तो हम लोग 200 आदमी को खाना लेके जा रहे हैं यहाँ से, और प्रायः इन लोगों की ये छठा बार है जो हम लोगों को रोटी बैंक यूथ क्लब को इन लोग सहयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग इन लोगों का बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग ध्यान दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा खाने पीने का व्यवस्था दिक्कत हो रहा, बहुत लोग को खाने का दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग श्याम नगर में सबके सहयोग से यहाँ खाना बनवा के रोटी बैंक यूथ क्लब को देते हैं, ताकि उन लोग जरूरतमंद लोगों के पास पहुँचा पाए। ये हम लोग छठा बार आज भेज रहे हैं और जब तक ये महामारी रहेगी तब तक हम लोग का यह कार्यक्रम कंटिन्यू रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि तब तक खाना बना के रोटी बैंक यूथ क्लब को दें और उन लोगों के माध्यम से सही जगह पर खाना पहुंचे।